बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। सीबीआई अधिकारियों ने आर्थर रोड जेल में ही प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान लगातार दूसरे दिन दर्ज किया, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली घटना है जब जेल जाने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। वही पूर्व भाजपा विधायक अनिल गोटे ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पार्टी फंड के लिए 1993 मुंबई धमाके के आरोपी से जुड़ी कंपनी से 20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। इसी बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभालने के बाद संजय पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पुलिस की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जब तक स्थानीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। सीबीआई अधिकारियों ने आर्थर रोड जेल में ही प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान लगातार दूसरे दिन दर्ज किया है। एक जेल अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार की सुबह से देशमुख का बयान दर्ज करना शुरू किया था और ये प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी। स्पेशल सीबीआई जज RN रोकड़े ने सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में जहां देशमुख फिलहाल कैद है, सीबीआई का दल सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचा। इस दौरान पूर्व मंत्री के वकील भी मौजूद थे। धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को रेस्टोरेंट और बार से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। इसके बाद शिकायती पत्र के साथ ही एडवोकेट जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा था कि उन्हें अगर उनकी जांच में ऐसा कुछ पता चलता है कि इस मामले में FIR दर्ज की जा सकती है तो वो FIR दर्ज कर सकते हैं। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध को अंजाम दिया गया। इस मामले में नवाब मलिक हिरासत में है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली ये घटना है कि जब जेल जाने के बावजूद भी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। फिर भी हमारी अपेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, यदि शिवसेना प्रमुख दिवंगत बालासाहेब ठाकरे होते तो मलिक को 1 मिनट में मंत्रिमंडल से हटा देते, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मलिक के इस्तीफे पर चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार दाऊद को समर्पित सरकार है, सरकार दाऊद की शरण में है। जवाब में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जब फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके कई मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे थे। फडणवीस ने कितने मंत्रियों से इस्तीफा लिया था? फडणवीस तो अपने मंत्रियों को क्लीन चिट दे देते थे। भाजपा को इकबाल मिर्ची का पैसा चल जाता है, इकबाल भाजपा का रिश्तेदार था क्या? दूसरी ओर विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि मलिक जेल में है, यदि हम उनके अधीन आने वाले विभागों से जुड़े कोई सवाल पूछेंगे तो क्या मलिक जेल में कंप्यूटर स्क्रीन लगाकर ऑनलाइन जवाब देंगे? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र बीजेपी के बीच जबरदस्त तनातनी का दौर चल रहा है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के मामले में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 1993 बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के खासम खास रहे इकबाल मिर्ची से संबंध रखने और उसे पार्टी के लिए चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व भाजपा विधायक अनिल गोटे ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पार्टी फंड के लिए 1993 मुंबई धमाके के आरोपी से जुड़ी कंपनी से 20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। गोटे ने प्रवर्तन निदेशालय से भी मामले की शिकायत की है। गोटे का दावा है कि फडणवीस ने राजेश कुमार वाधवान डेवलपर्स लिमिटेड से साल 2014 के बाद 20 करोड़ रुपए लिए हैं। ये कंपनी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से जुड़ी है। मेमन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और 93 के मुंबई धमाकों में आरोपी था। गोटे ने ये भी दावा किया है कि फडणवीस को साल 2014-2015 में इस डेवलपर से 10 करोड़ रुपए मिले।
जबकि दूसरे बिल्डरों से भी 10 करोड़ रुपए लिए गए। ये बिल्डर मेमन के नाम पर संपत्तियों का सौदा करते थे। गोटे ने कहा कि अगर नवाब मलिक पर जमीन सौदे को लेकर आतंकवादियों से संबंध के आरोप लगाए जाते हैं तो उनसे चंदा लेने वालों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फडणवीस ने जवाब में कहा कि अगर अनिल गोटे के आरोप को सही माना जाए तो इससे पहले विधानसभा में उन्होंने राकांपा प्रमुख शरद पवार को लेकर जो बयान दिया था उस मामले पर उन्हें पहले जवाब देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभालने के बाद संजय पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पुलिस की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे हैं। साथ ही वादा किया है कि वे मुंबई करों से सीधे संपर्क में रहेंगे और आम लोगों की सुरक्षा एवं मदद के लिए मुंबई पुलिस 24 घंटे तत्पर है। पांडे ने मुंबई करों को संबोधित करते हुए लिखा कि आपका पुलिस आयुक्त होना मेरे लिए सम्मान की बात है। विनम्रता और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ पहली पोस्ट लिख रहा हूं। मैंने पिछले 30 से अधिक साल मुंबई में बिताए हैं और विभिन्न पदों पर काम किया है। कुछ लोग मुझे 1992-93 में धारावी में तैनाती को लेकर याद रखेंगे और कुछ 1996-97 में आर्थिक अपराध शाखा की अगुवाई के लिए। लेकिन अब पुलिस के कामकाज का तरीका बदल गया है, इसलिए अब मैं आपसे मुंबई की सुरक्षा बेहतर करने के लिए समर्थन मांग रहा हूं। मुंबई पुलिस आयुक्त पांडे ने अपना व्यक्तिगत नंबर साझा करते हुए इस पर लोगों से सामान्य और व्हाट्सएप संदेश के जरिए अपनी बात रखने को कहा है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पांडे ने लिखा है कि वे छोटे बड़े सभी सुझाव का स्वागत करेंगे और संदेशों का जवाब भी देंगे। मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते ने भी कोरोना की वजह से आम लोगों के लिए ऑनलाइन विजिट सुविधा शुरू की थी। ये सुविधा अब भी जारी है। हालांकि उनका अनुभव ये रहा है कि आम लोग ऑनलाइन विजिट के बजाय सीपीओ ऑफिस में पर्सनल विजिट करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जब तक स्थानीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय नहीं लिया जाता तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। बैठक के बाद एनसीपी नेता और राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि किसी भी हालत में बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस रिपोर्ट में कमीशन ने स्थानीय निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण ओबीसी समाज को देने की मांग की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि बैठक में सभी मंत्रियों ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में बगैर आरक्षण चुनाव नहीं होने चाहिए। इसके लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में जल्द ही वकीलों से चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पूछा कि अब भी राज्य सरकार के पास एम्पिरिकल डेटा नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है। राज्य सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट को एक मजाक बना दिया है। गौरतलब है कि गत 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी के लिए रिजर्व की गई 27% सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए नोटिफाई करने को कहा था। बिहार के भागलपुर में शक्तिशाली धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। तो उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी की सड़कों पर उतरेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक यहां घूमेगा। वहीं हैदराबाद में केयरटेकर ने 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हार्पिक और झंडूबाम के जहरीले मिश्रण से अंधा करने के बाद उसे लूट लिया। इसी बीच हरियाणा के कैथल की एक स्थानीय अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों से बलात्कार मामले में एक गुरुद्वारे के ग्रंथी को 25 साल जेल की सजा सुनाई है। उधर सिकंदराबाद में नया इतिहास लिखने की तैयारी है। 165 किलोमीटर की रफ्तार से दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा से बिल्कुल आमने सामने बढ़ेगी, लेकिन कवच के कारण टकराएंगी नहीं। तो देश की इन खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बिहार के भागलपुर में शक्तिशाली धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से 3 मंजिला जमींदोज हो गया। आसपास के कई अन्य मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। यह भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार पटाखे बनाने का कारोबार करता है। जिस मकान में धमाका हुआ वह कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर दूर है। भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच में बारूद, अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। एसएफएल की टीम की जांच के बाद तय होगा कि धमाका किस वजह से हुआ। जानकारी के अनुसार घटना आतिशबाज के घर गुरुवार रात 11:30 बजे हुई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि मकान के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता
कि घटनास्थल से 4 किलोमीटर की परिधि में आने वाले मकान में मौजूद लोगों को भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। धमाके के बाद पूरे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। इस कारण पुलिस बल तैनात कर स्थिति संभालनी पड़ी। मलबे में दबे लोगों को तुरंत निकालकर अस्पताल भेजा गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई गई है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से जमींदोज मकान व आसपास की इमारतों की क्षतिग्रस्त इमारतों का मलबा हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में बम धमाकों में हुई मौतों पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को प्रचार थमने तक पीएम वाराणसी में रहेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक यहां घूमेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में गोदौलिया से मैदागिन तक रोड शो करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद वे सोनारपुरा होते हुए लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वे वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट, शहरी उत्तरी और शहरी दक्षिणी में रोड शो करेंगे। करीब 3.1 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होगी और दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगी। रोड शो का रूट मलदहिया चौराहे से शुरू होकर लहुराबीर कबीर चौरा, लोटिया, मैदागिन, नीचीबाग चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद सोनारपुरा 80 मार्ग से होते हुए BHU गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पीएम मोदी रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे। कल 5 मार्च को पीएम खजूरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के रोड शो के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशचंद श्रीवास्तव ने बताया कि काशी पूरी तरह से मोदीमय नजर आने वाली है। हैदराबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक केयरटेकर ने 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हार्पिक और झंडूबाम के जहरीली मिश्रण से अंधा करने के बाद उसे लूट लिया। पुलिस ने 32 वर्षीय महिला केयरटेकर पी भार्गवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हेमवती सिकंदराबाद के नचाराम मन पर एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उनका बेटा शशिधर लंदन में रहता है। बेटे ने अगस्त 2021 में पी भार्गवी को घर में रहकर उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद से केयरटेकर पी भार्गवी अपनी 7 साल की बेटी के साथ वहां रहने लगी, लेकिन घर में चोरी करने के लिए वह मौके का इंतजार कर रही थी। अक्टूबर 2020 में पी भार्गवी ने देखा कि हेमवती अपनी आंखों को मसल रही थी। पूछने पर उन्होंने आंखों में दवा डालने के लिए कहा। पी भार्गवी ने हार्पिक, जिससे बाथरूम की सफाई होती है, और झंडूबाम को पानी में मिलाकर उन्हें दे दिया। कुछ दिन बाद हेमवती ने अपने बेटे को बताया कि उनके आंखों में संक्रमण हो गया है। इस पर उन्हें नजदीक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन संक्रमण के चलते महिला की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। यह सुनकर उनका बेटा शशिधर हैदराबाद आया और उन्हें LV प्रसाद नेत्र अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि आंखों में जहरीला द्रव डालने की वजह से उनकी रोशनी चली गई है। उसे केयरटेकर पर शक हुआ तो नजदीकी थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर केयरटेकर पी भार्गवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर पी भार्गवी ने बताया कि उसने बुजुर्ग महिला को अंधा किया और 40,000 रुपये, 2 सोने की चूड़ियां, 1 सोने की चेन और अन्य गहने चोरी किए थे। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरियाणा के कैथल की एक स्थानीय अदालत ने 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार मामले में एक गुरुद्वारे के ग्रंथी को 25 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ग्रंथी को सजा सुनाते हुए कहा कि बलात्कार एक लड़की के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ एक संगीन अपराध है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे किसी देश के अनमोल मानव संसाधन है। बलात्कार एक बालिका के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ एक घोर अपराध है। घटनाओं के समय बच्चियां 9 वर्ष और 10 वर्ष की थी। उन्हें जीवन भर ये दर्दनाक अनुभव याद रहेगा। ये बहुत शर्म की बात है। कोर्ट ने दोषी को 25 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। कैथल जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने एक विस्तृत आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्दशा और उन्हें हुए सदमे को वो साफ देख सकती है। गुरुद्वारे में ग्रंथी का काम कर रहे 50 साल के जसबीर सिंह ने मानवीय आचरण का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक पहलू दिखाया है। ये एक ऐसा मामला है जहां विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है।
न्यायाधीश ने ग्रंथी को आईपीसी की धारा 776 ए बी और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को दोनों बच्चों को 5,05,000 रुपए मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मामला 6 फरवरी 2019 को दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि गुरुद्वारे में आने के दौरान वो नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। भारतीय रेल आज एक नया इतिहास रचने जा रही है। स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण आज यानी 4 मार्च को सिकंदराबाद को किया जाएगा। इसमें 2 ट्रेनें पूरी रफ्तार के साथ विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी। इनमें से एक ट्रेन में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार होंगे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहेंगे, लेकिन कवच के कारण ये दोनों ट्रेनें टकराएंगी नहीं। रेलवे के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। रेल मंत्रालय ने वर्षों के शोध के बाद ये तकनीक विकसित की है। कवच को रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया है। कवच को इस तरह से बनाया गया है कि ये उस स्थिति में एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देगा जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन के होने की जानकारी मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस डिजिटल प्रणाली के कारण मानवीय त्रुटियों जैसे कि लाल सिग्नल को नजरअंदाज करने या किसी अन्य खराबी पर ट्रेन स्वतः रुक जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि कवच के लगने पर संचालन खर्च 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर इस तरह की सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए है। यूक्रेन के जैपोरिजिया परमाणु बिजली संयंत्र पर रूसी हमले के बाद वहां विकिरण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमले के बाद संयंत्र में आग लग गई है तो पाकिस्तानी जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव मामले में वकील की नियुक्ति पर फैसला करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को एक और अवसर दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि हम कश्मीर मामले पर भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यहां के हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1,03,00,000 की आबादी वाले एक हिस्से को नौकरशाहों के शासन के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने बताया कि कोविड की अगली वेव अल्फा या डेल्टा जैसी सीवियर हो सकती है। उधर क्वाड देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को यूक्रेन नहीं बनने दिया जाएगा। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन के जैपोरिजिया परमाणु बिजली संयंत्र पर रूसी हमले के बाद वहां विकिरण का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। संयंत्र पर रूसी मिसाइल से हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति व ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की। हमले के बाद संयंत्र में आग लग गई है। हालांकि संयंत्र के उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचने की भी खबर है। आग की सूचना एक कर्मचारी ने टेलीग्राम पर पोस्ट करके दी। उसने दावा किया कि रूसी विमानों ने संयंत्र पर बमबारी की। इससे यूरोप के इस सबसे बड़े संयंत्र में परमाणु खतरा पैदा हो गया है। इसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रात 2:30 बजे ट्वीट कर आग लगने की पुष्टि की। उन्होंने अग्निशमन दल को तुरंत आग पर काबू पाने के लिए भी कहा। इसके कुछ देर बाद यूक्रेन की आपात सेवाओं के विभाग ने दावा किया कि संयंत्र पर विकिरण का स्तर सामान्य है। संयंत्र की तीसरी बिजली इकाई रात 2:26 बजे बंद हो गई थी। संयंत्र की 6 इकाइयों में से सिर्फ 1 इकाई 4 अभी भी चल रही है। आग की शुरुआत रिपोर्ट के बाद एशिया के पूंजी बाजारों में शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई और कच्चे तेल की कीमतें भी और चढ़ गई। इस बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ओडिशा समेत कई जगहों पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच चर्निहिव पर हुई एयर स्ट्राइक में 33 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव मामले में वकील की नियुक्ति पर फैसला करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को एक और अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान जाधव का पक्ष रखने के लिए एक वकील की नियुक्ति की मांग की गई है। भारतीय नौसेना के 51 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध न कराने पर पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में एक फैसला दिया था जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए तथा उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अगस्त 2020 में मुख्य न्यायाधीश अतर मिन्नल्ला, न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की 3 सदस्यीय बड़ी पीठ का गठन किया था।
जिसने बार बार भारत से जाधव के लिए पाकिस्तान से कोई वकील नियुक्त करने को कहा, लेकिन नई दिल्ली यह कहती रही है कि वह जाधव के लिए कोई भारतीय वकील नियुक्त करना चाहती है जिसकी मंजूरी दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को भारत से जाधव के लिए 13 अप्रैल तक वकील नियुक्त करने को कहा। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों ने अमेरिका के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उसने कहा था कि राज्य में चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मानवाधिकार की चुनौती पर भी सवाल उठाया था। अमेरिका की टिप्पणियों पर क्षेत्रीय दलों ने कहा है कि इससे पता चलता है कि दुनिया को इस बात की खबर है कि कश्मीर में जमीनी हालात क्या है। कश्मीर के दलों ने कहा कि भारत सरकार को इन खामियों को दूर करना चाहिए और तत्काल सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। बता दें कि नियर ईस्ट, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और काउंटर टेररिज्म पर अमेरिकी सीनेट की सब कमेटी ने 2 मार्च को बयान जारी किया था। इस बयान में अमेरिकी कमेटी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने को लेकर सवाल उठाया था। इस पर रिएक्शन देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा है कि हम इस मामले पर भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ के हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वह 1.3 करोड़ की आबादी वाले एक हिस्से को नौकरशाहों के शासन के हवाले नहीं छोड़ सकता। मसूदी ने कहा कि केंद्र सरकार को 5 अगस्त 2019 को लिए गए अपने फैसले को वापस लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कोरोना की तीसरी ओमिक्रॉन लहर धीमी पड़ती जा रही है। ऑफिस और स्कूल खुलने लगे हैं, लोग पहले की तरह बेफिक्र दिख रहे हैं। इसके साथ ही चौथी लहर से जुड़ा जो प्रेडिक्शन है वह थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही चेता चुका है कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं है, इसके बाद होने वाले म्यूटेशन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब एक्सपर्ट ने बताया है कि कोविड की अगली वेव अल्फा या डेल्टा जैसी सीवियर हो सकती है। इससे पहले IIT कानपुर के वैज्ञानिक कैलकुलेशन निकाल चुके हैं कि कोरोना की अगली लहर दुनिया में मई से जून के बीच आएगी। वैज्ञानिक पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना हमारे बीच ही है, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। वहीं कुछ वैज्ञानिक यह उम्मीद भी जता रहे हैं कि साल 2022 के आखिर तक कोरोना धीरे धीरे सामान्य वायरस की तरह सीजनल वायरस में बदल जाए। वही एक्सपर्ट्स का मानना है कि चौथी लहर कितनी खतरनाक होगी, यह बात वेरिएंट के टाइप, यह कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है और कितने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं इस पर भी निर्भर करेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई उन्हें लगवा लेनी चाहिए। वही हेल्थ वर्कर्स, सीनियर सिटीजन्स और जिन्हें बीमारी के चलते ज्यादा खतरा है वे बूस्टर डोज ले लें। वैसे कोरोना से बचाने का बेस्ट तरीका मास्क है जो लंबे वक्त तक साथ रहेगा। क्वाड देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को यूक्रेन नहीं बनने दिया जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब यूक्रेन की तर्ज पर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका जताई जाने लगी है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि वर्चुअल बैठक में क्वाड के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन की स्थिति का कोई फायदा नहीं उठा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले का जिक्र करते हुए किशिदा ने कहा कि हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति में एकतरफा बदलाव की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत के लिए व्हाइट हाउस के समन्वयक कर्ट कैपबेल ने कहा था कि यूक्रेन संकट के बावजूद अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। इस वर्चुअल समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हुए। बैठक में यूक्रेन मसले पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट को खत्म करना चाहिए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।